वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्रिपल सी बाई फाई श्री चैनल पर। गुड इवनिंग टू ऑल। और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे 14 और 15 अक्टूबर को पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं रिपीट हो भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को कंप्लीट देखना, और यहां पर आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स लाइव आ सकें। गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपना जो भी आपका एग्जाम हो आने वाले समय में, या फिर आपका कल परसों में एग्जाम हो, तो आप लोग अच्छे से करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल, और सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और यहां पर आपसे पूछा FDM का पूरा नाम क्या होगा। ठीक है, FDM का फुल फॉर्म आपका बताना होगा। तो यहां पर आपको जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM, याद रखना है FDM का फुल फॉर्म। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड क्या अर्थ होता है। है ना, आपने देखा होगा ब्राउजर में जो इनकॉग्निटो मोड होता है इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक दोनों, यानी कि ए एंड बी दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर है, और आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स लाइव आ सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं पिछले क्लास जो भी आपको कराए हैं, अगर आपने देखे उनको भी आप देख लेना ध्यान से। तो देखो किसी भी ब्राउजर में आपने देखा होगा ना, ब्राउजर में आपको इनकॉग्निटो मोड मिलता है, इसका मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है, आप प्राइवेट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपने अपने मोबाइल फोन में अगर आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो वहां पर देखा होगा, आप लैपटॉप पीसी में, तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है इनकॉग्निटो मोड का। ठीक है, तो यहां पर भी आप प्राइवेट तौर पर इसे यूज कर सकते हैं ब्राउजर को। अगला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा, गूगल क्रोम में पूर्ण स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या है, यानी कि गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल टी, F10, F11, कंट्रोल F, तो इसका जवाब क्या होगा। और हमने ब्राउजर की सारी शॉर्टकट की आपको बताई थी, आपने अगर वो क्लास नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। ठीक है, और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से भी आप देख सकते हैं, तो उसमें सारी शॉर्टकट की आपको बताई गई थी, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, F11। ठीक है, अगर आप F11 की प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाएगी, और अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो उसको छोटा करने के लिए भी F11 ही आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पूछा गूगल क्रोम में पूर्ण स्क्रीन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, तो F11 होगी, आपका ऑप्शन यहां पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, और काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखो, अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तब कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, अल्टर लेफ्ट एरो, अल्ट राइट एरो, कंट्रोल राइट एरो, या नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, अल्ट दबाना है, उसके बाद में राइट एरो आप प्रेस करते रहेंगे तो आपकी सेल का जो विड्थ होगा वो बढ़ता रहेगा। क्या करना होगा, अल्ट बटन को प्रेस करके रखना है, उसके बाद में राइट की आपको प्रेस करनी है, राइट एरो की आपको प्रेस करते रहना है, तो आपका जो सेल होगा उसका विड्थ बढ़ता रहेगा। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप से एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर 40,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल राउंड 17,352, यानी कि 17,352 कामा -5 का मान क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप 17,352
कब हम माइनस फाइव करते हैं तो आपका रिजल्ट ऑप्शन बी यानी कि जीरो हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा इक्वल प्रोडक्ट 45.5 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लगा हुआ है यहां पर, समझ सकते हैं आप इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 225, ठीक है, क्या हो जाएगा 225, 45 और 5 की क्या होगी आपस में गुणा हो जाएगी प्रोडक्ट से, तो 225 यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है OSI में परतों की संख्या कितनी होती है, कई बार आपको पढ़ाया है ये तो आपको पता ही होगा, OSI में कितनी परतें होती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा चीन में ज्यादातर कौन से सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, अब आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बाइडू। अगला क्वेश्चन है यूपीआई में पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम लेंथ आपकी पूछी गई पिन की कितनी होती है, 4, 5, 6 या 3, तो यूपीआई में पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 6 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, अगर इंप्रेस की बात करें तो मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, 100 या फिर 300 या फिर 3000 या फिर 200। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3000 कर सकते हैं, ठीक है, इंप्रेस में जूम साइज आप जो है अधिकतम 3000 कर सकते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन है इक्वल सम 5.2 का मान क्या होगा, तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कई बार आपको करा चुके हैं तो सारे क्वेश्चन मुझे लगता है करा चुके हैं कई बार आपको, तो अगर आप किसी सेल की एक पंक्ति मतलब एक रो को अगर आप चयन करना चाहते हैं सिलेक्ट करना चाहते हैं तब आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शिफ्ट और स्पेस बार, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाओगे तो जो सेल आपका सिलेक्ट होगा उसका पूरा रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए एक कॉलम की पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना है तब आपको कंट्रोल स्पेस दबाना होगा, तब आपको कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाना होगा तब आप जो है पूरा जो आपका वो होगा कॉलम होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर राइटर की बात करें इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है ऑप्शन सी हो जाएगा .odt होता है, ठीक है .odt इसका होता है एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलुक में कितने MB का अटैचमेंट किया जा सकता है, 20 MB, 25 MB, 40 MB या 35 MB, तो आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसमें आप कितने MB का अटैचमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट आपका 20 MB, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है, आपसे पूछा गया सेल की ऊंचाई कितनी होती है कैल्क प्रोग्राम में, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.18 होती है, ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पे बी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा HLS, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं, जो आपको एक रेडीमेड सीट मिलती है उसको क्या कहते हैं, स्प्रेड सीट, टेम्पलेट, ब्लैंक सीट या नन ऑफ दीज, तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा,
तो जो आपको रेडीमेड सीट मिलती है उसे कहते हैं टेम्पलेट, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टेम्पलेट। ठीक है, फाइल मेनू में जाकर आप न्यू पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप इस टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ आपको बनाया बनाया यानी कि रेडीमेड आपको एक सीट मिल जाती है जो कि टेम्पलेट होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है, क्वेरी करना, क्वेरी का जवाब देना, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पे पूछा क्लाइंट डैश सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है, आपको आंसर करना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी होगा, बोथ, है ना। कैसे, क्योंकि क्लाइंट क्या करेगा, क्वेरी करेगा, ठीक है, और सर्वर क्या करेगा, क्वेरी का जवाब देगा। तो यहां पर क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर का इस्तेमाल क्या होता है, क्लाइंट का मतलब क्वेरी करना और सर्वर का मतलब जवाब देना। ठीक है, तो यहां पर बोथ हो जाएगा आपका, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएसएसडी किस पर काम करती है, यूएसएसडी किस पर काम करती है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका पूरा नाम होता है, इसको भी याद रखना है, कई बार पूछते हैं इसका फुल फॉर्म भी। तो किस पर काम करती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मोबाइल पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईएसपी है, यहां पर आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन आईएसपी है, विप्रो, रिलायंस, टीसीएस या माइक्रोसॉफ्ट। 21 का राइट आंसर क्या होगा, कौन आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर भाई ऑप्शन बी हो जाएगा, रिलायंस, क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब भेजो, सभी को पता होगा, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पढ़ाया भी गया है, सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट यहां पर कौन सी होगी। तो पहला ऑप्शन राइट होगा, फेसबुक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ट्रेवलिंग करने वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा हो सकता है, लैपटॉप, सुपर, माइक्रो या मिनी, ट्रेवलिंग करने वालों के लिए सबसे बेस्ट कंप्यूटर कौन सा हो सकता है। 23 का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप सबसे बेस्ट कंप्यूटर हो सकता है अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं तब। अब पूछा गया 15 जुलाई 2010 को जारी पहला भारतीय ब्राउजर कौन सा था, फर्स्ट इंडियन ब्राउजर की बात की जा रही है जो कि 15 जुलाई 2010 को जारी हुआ। अब ये कौन सा ब्राउजर था, मोजिला, इपिक या फिर डॉल या फिर कैबिनो, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इपिक। ठीक है, ध्यान रखना इपिक आपका राइट आंसर होगा क्योंकि पहला भारतीय ब्राउजर था इपिक, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है, अगर कैल्क की बात करें तो कितनी चार्ट की संख्या होती है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 10, 8, 15 या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर कैल्क की बात करें तो वहां पर चार्ट की संख्या आपको कितनी मिलती है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 10 मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंक बचत पर ब्याज दिया जाता है प्रतिमाह, तिमाही, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक। तो अब आपका 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिमाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मियादी जमा पर चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है प्रतिमाह, तिमाही, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तिमाही। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक एक एंटीवायरस है, तो आउटलुक प्रोग्राम एक एंटीवायरस है, ट्रू या फॉल्स, इसमें से कौन सा करेक्ट जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉल्स, आउटलुक एक एंटीवायरस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एईपीएस क्या दर्शाता है, AEPS का फुल फॉर्म क्या होगा यानी कि पूरा नाम क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आपका, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो कि AEPS का पूरा नाम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1956 में AI सम्मेलन कहां हुआ था, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 1956 में कहां हुआ था। तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब कौन सा होगा,
तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका डार्टमाउथ कॉलेज हैनोवर यूएसए में हुआ था 1956 में, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सम्मेलन हुआ था वो डार्टमाउथ कॉलेज हैनोवर यूएसए में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास बस यहीं तक, और आप सभी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए आप जरूर मुझे सेंड करना। क्वेश्चन सेंड करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आप यहां पर देख सकते हैं info.CCCWiFiCity@gmail.com पर आपको मेल करना है। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको याद रहे वो जरूर मुझे भेजना, ताकि और भी बच्चों को पढ़ा सकें। और नेक्स्ट क्लास आपको मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे मिलेगी, तो सुबह 7:30 बजे आप लोग रेडी रहना अगली क्लास के लिए। ठीक है, और कल जो क्वेश्चंस कल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं संभवतः उनको हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए अगली जो आने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दूसरी चीज क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक न्यू हैं या फिर अभी अभी उन्होंने चैनल को ज्वाइन किया है, आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट टू ऑल।